वेलकम टू सम्पी किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मजेदार रेसिपी। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए। पहले हम कांदा और हरी मिर्च को ग्राइंड करेंगे, फिर इसमें चिकन के साथ लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक मिलाकर इसे पीसेंगे। इसमें आप कोथमीर स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें खट्टापन के लिए नींबू मिलाएंगे। नींबू से सीख का स्वाद डबल हो जाता है। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें तेल या देसी घी मिला के इसे अच्छे मिक्स करेंगे। फिर इससे सीख तैयार कीजिए। सीख बनाने के लिए आप पेंसिल की हेल्प भी ले सकते हो। फिर सीख को तेल में हाफ फ्राई करना है। फिर हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी रेडी करने के लिए हम पहले कांदा, हरी मिर्च, दालचीनी और काजू लेंगे। फिर हम इसे थोड़ा तेल में लाल करेंगे और उसके बाद इसे निकाल के ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। काजू पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब दूसरा पेस्ट रेडी करना है हमें अदरक और लहसुन का। इसके लिए हम अदरक, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, जायफल ये सब लेंगे। इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। फिर एक बर्तन में तेल गरम करके इसमें छोटी इलायची, लौंग, जायफल और तेजपत्ता डालकर इसमें अदरक वाला पेस्ट डालकर इसमें धनिया पाउडर और नमक मिलाएंगे। फिर मसाला होने तक पकाएंगे। तेल जब ऊपर आने लगे तो फिर हम इसमें काजू वाला पेस्ट मिला देंगे। फिर इसे अच्छे से पकने देंगे। पकने के बाद इसमें दही और दूध मिलाएंगे। आप दूध की जगह फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके इसे पकने देंगे। फिर आप चाहो तो तीखापन के लिए अक्खी हरी मिर्च डाल सकते हैं। फिर इसे पकने देंगे। फिर जब ये पक जाए तो हम इसमें अपनी सीख डालेंगे। सीख डाल के इसे मिक्स कीजिए। फिर इसमें पानी मिलाइए अपने हिसाब से, जितनी आपको ग्रेवी जैसे चाहिए। और फिर इसके ऊपर से कोथमीर मिलाइए। और आप इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कस्तूरी मेथी मिला सकते हैं। देखिए हमारी अफगानी सीख चिकन रेसिपी रेडी हो गई। ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसे एक बार जरूर खाइए। और इसकी सीख का दो कोई जवाब ही नहीं। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और रेसिपी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।